हेलो हेलो। हाँ जी हाँ, पुष्पा है धाकड़। जी हाँ धाकड़। जी, डी धाकड़, डी फॉर डेल्टा। जी हाँ, डी फॉर डेल्टा। हाँ डी, जी डी फॉर, एच फॉर होटल, ए फॉर अल्फा। जी के फॉर किलो, ए फॉर अल्फा, डी फॉर डेल्टा। जी, ठीक। हाँ तो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये डी फॉर डेल्टा, एच फॉर। तो मैं आपको बता दूं, आपके हम जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन आपको बता दो कि फोनेटिक्स में जिनको स्पेलिंग फोनेटिक्स के स्पेलिंग अल्फाबेट्स कहते हैं, फोनेटिक्स अल्फाबेट्स कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड स्वीकार किए गए। आप अगर इंडिया में कहेंगे जैसे पी फॉर पिकॉक, सी फॉर कैट, जरूर थोड़ा कि अमेरिका में यही बोलता है सामने वाला, या ब्रिटिश में भी, या फिर इंग्लैंड, कहीं भी कोई ये बोलता हो। लेकिन आपके जो ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ आज, ये आपके वर्ल्ड वाइड स्वीकार किएगा। जैसे आपके केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड स्वीकार किए जाते, वैसे ही आपके फोनेटिक्स अल्फाबेट जो भी आपके पूरे वर्ल्ड वाइड स्वीकार किए जाते, वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं, ये ऐसे होते हैं। आप अगर चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप इस वर्ल्ड की किसी भी कोने में क्यों ना, आप ये बोलेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, लोग मतलब आपको सबको एक्सेप्ट कर, उनको पता चले अच्छा ये होता है। जैसे आप कभी कभी आपका नाम, जैसे मेरा नाम पुष्प है, धाकड़ है, तो कभी कभी लोग स्पेलिंग से ही नहीं समझ पाते, तो मैं बता रहा डी एच ए के डी, तो फिर भी जैसे फोन पर बोले किसी डी को ई सुना रहा है, कहीं को सुना रहा है। जैसे कहते हैं सर आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए, तो डी फॉर देहरादून, के फॉर कर्नाटका। भाई ये तो इंडिया में ही हो, अगर आपको इंग्लैंड, आपको अमेरिका में बताना कैसे बताएंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है आपका, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फोन से, ए से, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर इको, ई फॉर इको, ई फॉर इको, एफ फॉर फॉक्स ट्रॉट, एफ फॉर फॉक्स ट्रॉट, एफ फॉर फॉक्स ट्रॉट, जी फॉर गोल, जी फॉर गोल, एच फॉर होटल, एच फॉर होटल, एच फॉर होटल, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जूलियट, J for Juliet, J for Juliet, J for Juliet, K for Kilo, K for Kilo, K for Kilo, L for Lima, L for Lima, L for Lima, L for Lima, M for Mike, M for Mike, M for Mike, M for Mike, N for November, N for November, N for November, O for Oscar, O for Oscar, O for Oscar, P for Papa, P for Papa, P for Papa, Q for Quebec, Q for Quebec, Q for Quebec, Q for Quebec, R for Romeo, R for Romeo, R for Romeo, S for Sierra, S for Sierra, S for Sierra, T for Tango, T for Tango, T for Tango, U for Uniform, U for Uniform, V for Victor, V for Victor, V for Victor, W for Whiskey, W for Whiskey, W for Whiskey, X for X-ray, X for X-ray, X for X-ray, X for Express, Y for Yankee, Z for Zulu, Z for Zulu, Z for Zulu, Z for Zulu. जी हाँ दोस्तों, ये टोटल आपके फिनिश होते हैं अल्फाबेट्स। इनको स्पेलिंग अल्फाबेट्स भी कहते, बहुत मतलब इनको ज्यादातर स्पेलिंग अल्फाबेट्स कहते हैं, ये आपके फोनेटिक्स अल्फाबेट्स भी कहलाते हैं। इसी तरीके जैसे आपने एक मूवी आई थी, आपने एक टैंगो चार्ली, टैंगो चार्ली मूवी, तो एक्चुअली वो टीसी था, मिशन टीसी, टैंगो चार्ली मूवी आई, मिशन टैंगो चार्ली, टैंगो चार्ली जो बॉलीवुड मूवी आई थी टैंगो चार्ली, एक्चुअली वो मिशन टीसी था, टीसी, टी फॉर टैंगो, सी फॉर चार्ली। तो ये आपके पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इनको आपके फोनेटिक्स से पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए गए ये वाले, तो आप इनको याद कर ले। अमेरिका में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके नाम की, क्योंकि अमेरिकन से इंडियंस के नाम वैसे ही नहीं समझ पाते, तो आप नाम की स्पेलिंग इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, और हम इस पर कम 100 लाइक्स का हम इसमें करते हैं भाई, कम से कम 100 लाक्स हमें मिलने चाहिए। अगर आप 100 लाक्स हमें मिलते हैं तो मैं आपको इसमें और भी कोई शानदार चीज लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।